श्रीमद् भगवद गीता विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 14 देखते हैं। पहला चरण तत, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स करेंगे। तत त में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह, तत स में अमिक्स करेंगे स, वी के साथ आधा स विस, म में अमिक्स करेंगे मया विस मया, वी के साथ आधा श षटकोण वाला है, पहले स था संतो वाला विस मया विष्टो। पहला चरण रिपीट करते हैं तत स विस्मया विष्टो। दूसरा चरण ह के अंदर री से ऋषि की मात्रा है, इसको आप राइट साइड में क्लियर देख सकते हैं, ह आधा है और री से ऋषि की मात्रा है री एच आर आई, री के साथ आधा श ऋष, ट में अमिक्स करेंगे हृष्ट रोमा, ध में अमिक्स किया ध न, न के बाद में है ईय, जो च वाली लाइन होती है ना उसमें, उसको आपको और क्लियर राइट साइड में दिखा रखा है, न के साथ यह होता है तो न पे बिंदी लगती है आधे न की, धनन ज या दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करेंगे जय, य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह जय। सेकंड चरण रिपीट हृष्ट रोमा धनंजय, पहला और दूसरा चरण साथ में तत स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय। तीसरा चरण प्र, प्र कर दुआ प आधा र पूरा, ण के साथ आधा म प्रणम, य पूरा य में अमिक्स करेंगे प्रणम्य, शी र पे अमिक्स करेंगे शिरसा, देव व में अमिक्स करेंगे शब्द पूरा होने के बाद व पे अनुस्वार आधा म देवम। तीसरा चरण रिपीट प्रणम्य शिरसा देवम। चौथा चरण क के नीचे री से ऋषि की मात्रा क्री, जिसको राइट साइड में दिखा रखा है क आधा और री की मात्रा क्री ता, यह है वो ता पर बिंदी लगाएगा कृतान जली, र पूरा है कृतान जली र, भा श और त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे भाषत। चौथा चरण रिपीट कृतान जली र भाषत। तीसरा और चौथा चरण साथ में प्रणम्य शिरसा दीपम कृतांजलि भाषत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ततः स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा दीपम कृतांजलि भाषत। वापस ततः स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा दीवम कृतांजलि भाषत। श्लोक का अर्थ देखते हैं ततः यानी भगवान के विश्व रूप को देखकर स वह विस्मया विष्ट बहुत चकित हुए, हृष्ट रोमा उनके आश्चर्य के कारण उनके रोम रोम क्या हो गए, रोमांचित हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया, धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके शिरसा मस्तक से देवम विश्व रूप जो भगवान का था उस विश्व रूप देव को कृतांजलिर कृतांजलिर भाषत। देखो इसमें र जो है वो विसर्ग को हटेगा तब बनेगा, तो कृतांजलि ही यानी हाथ जोड़कर और र हट गया, र में जो अमिक्स किया था उससे बन गया अभाषत बोले। पूरा अर्थ क्या निकला, भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और हाथ जोड़कर विश्व रूप जो देव थे उनको मस्तक से प्रणाम करके वे बोले। आगे अर्जुन क्या बोले वो सब अर्जुन के श्लोक स्टार्ट होंगे। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, नारायण नारायण।